व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ वाचिंग MKV टेक्निकल। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमन एक नए वीडियो के साथ फिर से आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऐप नॉट इंस्टॉल्ड प्रॉब्लम के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ये बताया कि जब भी मैं अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूं तो ऐप नॉट इंस्टॉल्ड लिख करके आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो के साथ में आप बने रहेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले तो करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल के आइकन पर ऑल कर देना है ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको किस प्रकार से फेस करनी पड़ रही होगी। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी कोई एक एप्लीकेशन से मैं इसको इंस्टॉल कराता हूँ और जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कराता हूँ फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐप नॉट इंस्टॉल्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐप नॉट इंस्टॉल्ड प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर फेस करनी पड़ रही होगी और इसके क्या रीज़न हो सकते हैं मैं आज आपको इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा फोन व्हाट्सअप है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐप नॉट इंस्टॉल्ड, ये प्रॉब्लम लगातार सभी लोगों को आ रही है। तो आज मैं इस प्रॉब्लम को आप लोगों की सॉल्व करने वाला हूं। तो आप वीडियो के साथ में बने रहिएगा, इसकी मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं आपको कुछ सेटिंग्स करनी होंगी। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एक एप्लीकेशंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक छोटी सी सेटिंग्स करनी है। आपको यहाँ पर 3 डॉट लाइन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर मिल जाएगा प्ले प्रोटेक्ट। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको यहां पर चले जाना है सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहां पर स्कैन ऐप विथ प्ले प्रोटेक्ट, आपको इसको यहां पर ऑफ कर देना है। जैसे आप यहां पर इसको ऑफ कर देंगे उसके बाद में आपको यहां पर एक छोटी सी सेटिंग्स और करनी होगी, मैं आपको वो भी बता देता हूं। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपने सेटिंग्स में चले जाना है स्मार्टफोन के और यहाँ पर जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपने सिक्योरिटी में चले जाना है। जैसे यहाँ पर सिक्योरिटी में आप यहाँ पर जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे चले जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अननोन सोर्स का आपको यहाँ पर एक सेटिंग्स शो करेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर परमिशन दे देना है। अपने क्रोम ब्राउज़र पर इस प्रकार से परमिशन देने के बाद फ्रेंड्स, आपको करना क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको बैक हो लेना है। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, आपको चले जाना है उस एप्लीकेशंस पे जिस एप्लीकेशंस को आपको इंस्टॉल कराना है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी सेटिंग्स और बता देता हूँ कि अगर आपका फिर भी एप्लीकेशंस सो वर्क नहीं करता है, जैसा कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि मैं फिर से अपने एप्लीकेशंस पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से इसको इंस्टॉल कराता हूँ, इतना करने के बाद भी फ्रेंड्स अभी भी हमारा ये अगर वर्क नहीं करता है तो एक छोटी सी सेटिंग्स और भी आपको कर लेनी है। वो कैसे सेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले तो अपने यहाँ पर होम पेज पे चले जाना है स्मार्टफोन के और यहाँ पर आपको देखना है कि आपने किस किस एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रखा हुआ है और इनमें से फ्रेंड्स आपको उस एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करा देना है जो एप्लीकेशंस आपके इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम डाल रही है। अब फ्रेंड्स मानते हैं कि कैसे आपको इसको मालूम करना पड़ेगा कि ये चीज़ किस वजह से हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर लाइव करके दिखा देता हूँ। आपको मैं सबसे पहले तो दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ। अब फ्रेंड्स, इनमें से वो कोई एक ऐसी एप्लीकेशंस है जो ऐप नॉट इंस्टॉल की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले उस एप्लीकेशंस को चूज करना है और उसको अनइंस्टॉल करा देना है। तो देखिए, मैं सबसे पहले उस एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी ये एप्लीकेशंस पड़ी हुई है व्हाट्सएप की और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से हमारी एप्लीकेशंस ऐप नॉट इंस्टॉल की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। इतना करने के बाद फ्रेंड्स, फिर से आपको अपने उस एप्लीकेशंस पर जाना है जिस एप्लीकेशंस को आप इंस्टॉल कर रहे थे वो
एप्लीकेशंस नॉट इंस्टॉल की प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं फिर से फोर्ड व्हाट्सएप पे आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ और मैं इसको इंस्टॉल अप करके दिखाता हूँ कि ये एप्लीकेशंस अब इंस्टॉल होती है या फिर नहीं होती है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी एप्लीकेशंस है वो कुछ ईजिली आराम से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशंस हमारी स्मार्टफोन में इंस्टॉल हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इसको ओपन भी कर देता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप भी अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा सकते हैं, ऐप नॉट इंस्टॉल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद।